हमारे ब्रह्मांड में हम किसी भी चीज को उसके आकार या समय के आंकड़े से नापते हैं। इन आंकड़ों को हम डायमेंशंस या फिर आयाम भी कहते हैं। आपने बचपन में चार ऐसे ही डायमेंशन यानी आयाम जरूर पढ़े होंगे, जैसे कि लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड टाइम, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही कई और डायमेंशंस के बारे में भी सोचा गया है जो हमारे ब्रह्मांड में हमारे साथ ही मौजूद हैं, पर हमें दिखते नहीं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही काल्पनिक लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाले आयामों और डायमेंशंस के बारे में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी पर एक सुपर सरगासो सी। सुपर सरगासो सी एक ऐसा आयाम है जिसमें हमारी दुनिया से गायब हुई हर चीजें जाती हैं, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में खोए हुए शिप। ऐसे लोग और चीजें जो अचानक ही कहीं गायब हो जाते हैं और फिर वापस कभी नहीं मिलते, वो सारी चीजें गायब होती हैं सरगासो सी में। ये डायमेंशन धरती के ऊपर घूमता रहता है। आपने ऐसी कई सारी खबरें सुनी होंगी जिसमें आसमान से जानवरों या मछलियों की बारिश हो गई। ये तब होती है जब सुपर सरगासो आयाम कुछ चीजों को वापस बाहर फेंक देता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आयाम ब्रिटेन से इंडिया के बीच में फैला हुआ है। नंबर दो, हैमर स्पेस। आपने बचपन में कार्टून में देखा होगा कि कार्टून का एक किरदार हवा में से हथौड़ा निकाल के दूसरे को मारता है। क्या ऐसी ही कोई चीज हवा में से निकाल कर इस्तेमाल करता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारी चीजें जिस अदृश्य जगह से निकल रही हैं, उसे हैमर स्पेस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान का खुद का एक हैमर स्पेस होता है जिसमें वो अपनी चीजें रख सकता है और बस हाथ डाल के ही उसमें से अपनी मन शक्ति से कुछ भी निकाल सकता है। कहते हैं कई जादूगर भी इस डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीन, पैरा स्पेस। अगर किसी इंसान का मौजूदा ब्रह्मांड से नामो निशान खत्म हो जाए तो चला जाता है पैरा स्पेस में। पैरा स्पेस में जाने से पहले उस इंसान की पिछले ब्रह्मांड से जुड़ी हर चीज गायब हो जाती है, जैसे कि शरीर और सोच। पैरा स्पेस को आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लें कि स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल, जन्नत और जहन्नुम, ये सभी पैरा स्पेस ही हैं, और इंसान की मौत होने के बाद वो इन्हीं पैरा स्पेस में चला जाता है। ये डायमेंशन यानी आयाम हमारी इंसानी डायमेंशन से लगभग जुड़ा होता है। इसी वजह से कभी कभार दूसरे पैरा स्पेस से कोई न कोई शक्ति हमारे आयाम में वापस आ जाती है, जिन्हें हम भूत या आत्मा कहते हैं। ये पैरा स्पेस हमारे ब्रह्मांड के आयाम जैसे ही होते हैं। नंबर चार, पॉकेट यूनिवर्स। हमारे कर्मों से हमारे जीवन पर असर तो पड़ता ही है, पर पॉकेट यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से हर इंसान का खुद का एक ब्रह्मांड होता है और आपका हर डिसीजन या काम आपके खुद के ब्रह्मांड को बदल देता है। मान लीजिए आज आपने चाइनीज खाने का सोचा है तो आपके अगल बगल ऐसे पॉकेट यूनिवर्स बन जाएंगे जिसमें आप रोटी भी खा सकते थे, इडली डोसा भी खा सकते थे या फिर पास्ता भी। हर एक पॉकेट यूनिवर्स में हर वो एक चीज जो आप कर सकते थे वो लगातार होती ही रहती है, और वो तब तक होती रहती है जब तक आप वो चीज कर नहीं लेते, और उस चीज को करने के साथ ही फिर से बदल जाता है आपका ब्रह्मांड।